हाय गाइस, क्या आप जानते हैं गोवर्धन पूजा मनाने के पीछे की क्या प्रथा है? इस वीडियो में फुल जानकारी देने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। गोवर्धन पूजा मनाने के पीछे की क्या प्रथा है? इस बार गोवर्धन पूजा 5 नवम्बर को मनाया जाएगा। ये पर्व हर साल दिवाली के अगले दिन होता है। ये पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ही की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब मवेशियों को चराते हुए भगवान कृष्ण गोबर पर्वत पहुँचे तो वहाँ लोग उत्सव मना रहे थे। कारण पूछने पर उन्हें जानकारी मिली कि वहाँ इंद्रदेव प्रसन्न होकर वर्षा करें, इस हेतु पूजा हो रही है। जब उन्होंने अपनी माँ को भी इंद्र की पूजा करते हुए देखा तो सवाल किया कि लोग इंद्र की पूजा क्यों करते हैं। उन्हें बताया गया कि वह वर्षा करते हैं जिससे अन्न की पैदावार होती है और हमारे गायों को चारा मिलता है। तब श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा है तो सबको गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गायें तो वहीं से चरती हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि देवराज इंद्र से अधिक ताकतवर ये पर्वत है, इसी के प्रभाव से यहाँ बारिश होती है और लोगों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। उनकी बात मानकर सभी ब्रजवासी इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और प्रलय के समान मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की भारी बारिश से रक्षा की थी। इसके बाद इंद्र को पता लगा कि श्री कृष्ण वास्तव में विष्णु के अवतार हैं और अपनी भूल का एहसास हुआ। बाद में इंद्र देवता को भी भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करनी पड़ी। इंद्र देव की याचना पर भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और सभी ब्रजवासियों से कहा कि अब वे हर साल गोवर्धन की पूजा कर अंकुट पर्व मनाएं। तब से ही ये पर्व गोवर्धन के रूप में मनाया जाता है। गोवर्धन का दूसरा नाम अंकुट भी है, इसका अर्थ है भोजन का पहाड़। इस खास दिन पर भक्त भगवान कृष्ण के लिए भोग तैयार करते हैं जिससे 56 या फिर 108 प्रकार के पकवानों को शामिल किया जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।